अस्सलाम वालेकुम। हाय, दिस इज बिग हेवी बनी के व्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। लाइक एक स्कैम हुआ है करेंटली, तो मैंने सोचा वो आप लोगों को मैं बता दूं। एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे कज़न के साथ हुआ है, तो इसलिए एक तरह से ये अलर्ट या अवेयरनेस वीडियो है। तो काइंडली डू शेयर, ओके। सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक नहीं करना, नहीं चाहिए, बस शेयर कर देना ताकि लोग इससे बच सकें। तो इट्स ए स्कैम, लाइक ओरियो बिस्किट वाला स्कैम है। उन्होंने ओरियो बिस्किट को यूज़ करके स्कैम किया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई सीन कुछ ऐसे है कि मेरा एक कज़न है जो कि कतर में जॉब कर रहा है, तो उसने ना करेंटली ये पाकिस्तान आना था कुछ टाइम बाद। तो वो भाई पाकिस्तान तो आया, ऐसा नहीं कि नहीं पाकिस्तान आ रहा था। तो आते हुए उसकी फ़्लाइट लैंड हुई रात को कराची में अराउंड 2 से 2:30 बजे ना, 2 से 2:30 बजे लैंड हो गई। उसके बाद उसने क्या करा कि वो था अपने दोस्त के साथ था, तो उसने बोला चलो चलते हैं कि ट्रेन मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगा। तो उसने वहाँ से कैब बुक करी, और कैब में क्या था कि उन्होंने मना कर दिया कि भैया आपको इस टाइम पे कोई कैब नहीं मिलेगी, कैब तो मिल जाएगी लेकिन कोई ट्रेन वगैरह नहीं मिलेगी, तो आप देखना यहीं पर वेट कर लें, सुबह होते ही फजर के टाइम चले जाइएगा। तो भाई उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ी देर वेट करा, लेकिन वो कितना वेट करते उनको आधे घंटे बाद दोबारा से सोची कुछ हो जाए कि भाई चलो कैब नहीं वाले ये कह रहे हैं, तो बाहर जाके टैक्सी करवाते हैं। उन्होंने बाहर आए, बाहर जाके उन्होंने टैक्सी वगैरह का पता करा, तो ऊबर वगैरह थी आई थिंक कुछ ऐसा, तो उन्होंने उसने भी मना उसने भी करा। उसने बोला कि भाई आप मत जाओ, इस टाइम पे कराची के हालात ठीक नहीं है, तो आप ऐसा ना हो आप कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो जाए उस, लेकिन इन्होंने इग्नोर करा। तो फिर लिखी होती है तो होता है। तो उसके अंदर ऐसा था कि ये और इसका दोस्त दोनों ने सामान डाला कि और वो चले गए वहाँ से फैसल मॉल के पास, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको अगर जाना ही है या तो डेवो पे जाओ या फैसल मॉल के टर्मिनल जाओ, दोनों में से किसी एक जगह पे आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, वेटिंग एरिया प्रॉपर बना हुआ है। तो खैर वो चले गए वहाँ पर फैसल मॉल के स्टॉप अलासिफ पर, वहाँ टर्मिनल है, तो वहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी हमने निकलवाई थी, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो उसके अंदर क्या हुआ कि भाई वो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि चलो गाड़ी वाड़ी का सुबह में होगी तो वो रिजर्वेशन वगैरह करवा के चले जाएंगे। तो उतनी देर में उनके पास एक बंदा आता है, बंदा आके उनसे मिलता है कि भाई देखें आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछते हैं। वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो बताते हैं शरीफ है, तो आखिर गाँव से आते, उनको क्या पता कराची वालों का स्कैम। तो खैर वो उन्होंने उसको बताया भाई मैं इस तरीके से यहाँ जा रहा हूँ, तो उसने बोला चलो आप जा रहे हैं ऐसा करते हैं कि साथ चलते हैं, मुझे भी जाना है ना वहीं के आसपास की जगह बताई, वो इंटीरियर में घूट की जा रहे थे, तो कोई पता नहीं कौन सी जगह बताई कि मैं भी वहाँ चल जाना है, हम एक साथ चलते हैं। बैठे रहे बैठे रहे, बोला अच्छा गाड़ी तो लेट आएगी, चले हम ना कैब बुक करवाते हैं एक साथ, तो तीनों निकल जाएंगे, जो भी आएगा इक्वली डिवाइड कर देंगे हम लोग। उसने एक को कॉल की, बोला कि सर मैंने आपसे पहले बात की थी, हम लोग पहले एक बार आपसे तरफ से गए हुए हैं, तो इस तरीके से मुझे कैब चाहिए, तो आप मुझे बता दें कि यहाँ के कितने लेंगे। उन्होंने बोला 9,000 रुपीज़, तो 9,000। उसने बोला कि चलो इक्वली हम लोग 3,000-3,000 रुपये डिवाइड कर देंगे, तो उसके तो जहन में भी नहीं था भाई ये बंदा स्कैमर है इतना बड़ा। तो वो भाई उन्होंने बोला ठीक है चलो, तो वो उसको लेके गया के चले ऑफिस चले, वहाँ जाके रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। तो ये यहाँ से निकल गए रिक्शे पर बैठ के ऑफिस के लिए, ऑफिस यही वॉस में आकर बताया था कि यहाँ पर है। तो ये देख सकते हो आप, ये बंदा यहाँ से आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इसने इसको पहले हेलो हाय भी हो गई, तो ये इस तरीके से जाके खड़ा होकर उससे बात करते हैं, इधर उधर मुंह करके बात कर रहा होता है ताकि वो बंदा मुखातिब हो जाए, वो आके ये कज़न है ये आके इससे मिल लेता है और बातचीत स्टार्ट हो जाती है कि भाई आपने कहाँ जाना है क्या है जो भी है, इसकी क्लियर वॉइस तो है नहीं है। तो उसके अंदर ये दोनों भी बात कर रहे हैं जाने आने की, कंटिन्यू इसने भाई पूरा अपने तरीके से, इसको पता चल गया था ये लोग शायद गांव से आए हैं या क्या है कुछ भी, तो इसने अपना पूरा रखा भाई कि इस तरीके से ये है जानने वाला बंदा, ये है मैं यहाँ से गया हूँ अभी, ये देखें ये बैठ गया यहाँ से, ये करेगा फ़ोन मिलाएगा अभी उनको, फ़ोन मिलाने के बाद फिर जो है ये इसको यहाँ से लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से भाई ये यहाँ से उमर अभी जाता है यहाँ से अपने सामान उधर की तरफ, वहाँ से वापस आता है, ये बंदा फ़ोन मिला रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है उससे, और ये यहाँ बैठ गया अपना सामान उसका रखा हुआ यहाँ पर,
इसका दोस्त भी यहीं पर है, तो ये बैठ गया। ये बंदा अभी फ़ोन में लगा के फ़ोन पे बातें बातें कर रहा है, और इसको बता देता है कि बस इस तरीके से जाना पड़ेगा हमें वहाँ पर, और वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। तो ये लोग अब दोनों जो हैं उठेंगे और फिर जाएंगे, और पीछे से उसके दोस्त को उमेर अपना सामान दे के चला जाता है। बट उसके अंदर ये अक्ल नहीं आई कि भाई वो बंदा सामान क्यों नहीं रख रहा है, वो बंदा अपना सामान लेके जा रहा है। और इसको बोला क्या आप, इसको बोला तो कुछ नहीं उमेर ने, लेकिन अपना सामान यहीं रखा हुआ है कि चलो दोस्त है मेरा। और ये दोनों इस तरीके से निकल जाते हैं, वो देखिए वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। ये बंदे के हाथ में इसका सामान है, उमेर ने अपना सामान अपने दोस्त को दे दिया, चले जाते हैं ये लोग। बताया था कि ऑफिस है, और वो तो निकल गए। तो उन्होंने वहाँ जाके क्या देखा कि भाई ऑफिस बंद है। फिर उन कॉल की भाई, उसने बोला मैं ऑयल चेंज करवा रहा हूँ, ऑयल चेंज करवाने के बाद जो है हम निकलते हैं। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, वो उसी रिक्शे में उसकी तरफ के भाई आप अलासिफ वापस पहुँचे, मैं वहीं पर आपको मिल जाऊँगा। तो वो वापस अलासिफ के लिए निकल रहे थे, उन्होंने रूट चेंज कर दिया। वो मौसमा से सीधा गए हैं KU कराची यूनिवर्सिटी वाली साइड पर। तो वहाँ पर जाते वक्त उसने उनको एक बिस्किट दिया, चले भूख लग रही होगी आपको भी, ये ले खाएं। वो भी खा रहा था, एक ओरियो उसने खाया, एक उसने मेरे कज़न को दिया, उमेर नाम है उसका, और एक रिक्शा ड्राइवर को दिया। तब तक तो कुछ नहीं हुआ था, वो रिक्शा ड्राइवर और वो स्कैमर दोनों मिले हुए थे। फिर उसने दूसरा जब वो बिस्किट दिया है उसको, और उसने उमेर ने खाया है, और खाते उसको ना मदहोशी की हालत में, उस अकॉर्डिंग टू हिम उसने बताया, जैसा कि भाई मदहोशी की हालत में चक्कर आना शुरू हो गए, उसका विजन ब्लर होने लग गया इस तरीके से पूरा, और वो एक तरह से आधा नशे नशे की हालत वाला हो गया। तो अब उसको तो पता ही नहीं था, उसको लास्ट जो अपनी डेस्टिनेशन वगैरह पता थी, लोकेशन वो थी कराची यूनिवर्सिटी के अपोजिट पर नर्सरी है वहाँ पर। तो भाई वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, खैर पड़ा गया था, वहीं तक पहुँचा था। उसके बाद का उसको नहीं पता क्या हुआ था। तो उसने अपना पर्स देखा, उन बंदों ने उसका पर्स लिया, उसमें से पैसे लिए, पर्स वापस रखा, उन्होंने मोबाइल उसके निकाल लिया, मोबाइल के अंदर से उन्होंने एक नंबर जो रिसेंट डायल हुआ हुआ था वो नंबर पेपर पे लिख के उसकी पॉकेट में डाल दिया, और उसको जाके कश्मीर रोड पर फेंक दिया, मतलब फुटपाथ के ऊपर फेंक के वो चले गए। तो लोगों ने देख देख के इसने चीपा वालों को बुलाया, उसके थ्रू उन्होंने उसको जिना हॉस्पिटल भेज दिया। जिना हॉस्पिटल में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहा, पुलिस पुलिस आके उन्होंने बयान वगैरह का चक्कर जो होता है तर्जामा तलाशी ली, तो उसके अंदर से एक नंबर निकला, उस पर कॉल की, उन्होंने बोला इस तरीके से भैया बंदा यहाँ पर है तो आप इसको देख लें, आप शिनाख्त करें, आप यही है। उन्होंने बोला हाँ ठीक है, उन्होंने उसको नंबर था, उन्होंने उसके घर पे कॉल की, घर वालों ने हमें कॉल की, क्योंकि हम कराची में थे, करीब तो हम ही थे ना, यहाँ से तो दूर है जिला, लेकिन हम एक तरह से कम करीब थे। तो फिर हम यहाँ से वहाँ पहुँचे भाई, वहाँ जाके उसकी हालत देखी, तो लाइक लिटरली वो आधी अधमरी हालत कह लो उसको, इस तरह था, बिल्कुल ही मदहोश पड़ा हुआ था, उसको कोई होश नहीं था, बार बार यहाँ वहाँ टकरे मार रहा था, पता नहीं किस लेवल का उसके अंदर था नशा, क्या मिला कर पिला दिया कुछ पता नहीं। तो खैर उन्होंने अब उसके बाद हम लोग ने उसको एक दिन वहाँ रखा, उसके बाद वहाँ से वापस लेकर आ गए अपने घर पे, घर पे लाए तो उसी में एम्बुलेंस में लेकर आए। लाने के बाद उससे हम पूछते रहे ये वो, पता तो चल गया था। फिर उसको नहलाया वगैरह, कपड़े वपड़े चेंज करवाया, फिर उसका एक कज़न को आया उसको पिक करने के लिए कि भाई मैं ले जाऊंगा, वो वहाँ से आए और उसको लेके चले गए। तो उसका दोस्त जो फैसल मोड़ टर्मिनल पर वेट कर रहा था सामान के साथ, जो इसमें इसका सामान था, इसके दोस्त का सामान था, वो बंदा तो सामान अपना लेके चला गया साथ, पता नहीं क्यों लेके गया, इनको वहीं पे सोच लेना चाहिए था भाई हमारा सामान यहाँ है तो वो क्यों लेके जा रहा है। तो खैर तो इसने इसके दोस्त ने भी 10 बजे तक का वेट किया, 10 बजे एक गाड़ी थी उसने, और वो सारा सामान उसका और अपना सामान रखा एक ट्रॉली पर लेकर चला गया। तो ये इसका दोस्त है, ये ब्लैक शर्ट में जो है, ये अब इसके बाद से खड़ा होता है और जाने की करता है कि भाई चलो हम काफ़ी देर वेट किए हैं, तो वो यहाँ खड़े होकर उसे कांटेक्ट करने की करता है, मगर कांटेक्ट हो नहीं पाता। तो इसके बाद वो सारा अपना सामान वामान उठाता है और वो निकल लेता है। वो लोग सामान उतार रही है, इतनी देर में इसने बैग से सामान सारे जो है बाहर वाली साइड रख दिए, और यहाँ पर
रखने के बाद वो ट्रॉली में पूरी लोड करके चला जाता है सामान। इसमें उमेर का भी सामान इसके पास है और इसका अपना सामान भी इसके पास है। तो वो देखें, वो ट्रॉली लेकर आ गया। इस तरीके से वो ट्रॉली में डालकर ये सामान डाल रहा है सारा। गाड़ी वाड़ी करवाई, वो चला गया अपने घर। वहाँ जाने के बाद उसने उसका सामान, एक दिन वेट किया, उसके बाद उसने सामान खोला। उसके अंदर एक थी डायरी। तो डायरी के अंदर जो नंबर लिखा हुआ था, तो इसके किसी उस्ताद का था, कोई काम वाम करता था वहाँ के। तो उसने कॉल किसी इस तरीके से बोला, भाई आप उमेर को जानते हो? मैं बोला हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मेरा शागिर्द रहा, मैं काम करता रहा हूँ उसके साथ। तो उन्होंने बोला इसी तरीके से ये हुआ है, तो मुझे उससे बात करनी है। वो उसके घर लेकर चला गया। वहाँ से उनसे बात करे तो उनके फादर ने बोला कि भाई मैं उसके वालिद बात कर रहा हूँ, हाँ मुझे बताया कोई इशू नहीं है इस चीज़। उन्होंने बोला नहीं, मुझे बात से उमेर से करनी है, मैं और किसी से नहीं करूँगा। लाइक वो फादर थे, फिर भी उसने नहीं किया, उसने ये समझदारी की कि भाई कोई और हो सकता है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलें। फिर उसका नंबर उन्होंने यहाँ पर भेजा, हमने यहाँ उमेर की बात उससे करवाई कि भाई हाँ ठीक है इस तरीके से। वो ये तो हमें पता चल गया भाई सामान चलो सेफ है, बंदा भी सेफ है, सामान भी सेफ है। तो उसने अगले दिन वो सामान उनके घर पहुंचा दिया घुटकी में। तो उमेर भी यहाँ से चला गया वहाँ पर। तो इस तरीके से सामान और वो बच गया, और उसके पर्स में, वॉलेट में अराउंड 7-8 हज़ार रुपये थे। मोबाइल गया, 7-8 हज़ार गए उसके, कोई मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन उसको जान उसकी बच गई। तो भाई मेन मकसद जो था हमारा ये वीडियो बनाने का, वो ये था कि आप लोगों को पता चल सके कि भाई इस तरीके का भी स्कैम होता है। रास्ते में आप बाहर से आते हैं तो आपको कोई भी इस तरीके का बंदा नजर आता है, आप कोई आप वो बोले कि भाई मैं साथ चलता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं वहाँ आता हूँ, चलो चलते। नहीं भाई, आपने अपना रास्ता ना, आपने बोलना भाई तू चल अपने रास्ते, हम चलते अपने रास्ते। उससे कुछ भी नहीं करना भाई, ना कुछ लेना है, ना वो बचपन में कहती है ना मम्मी कुछ ले, किसी से कुछ लेके खाना नहीं भाई, ये वही दौर चल रहा है, किसी से कुछ लेके मत खाना। कुछ पता नहीं उसके अंदर क्या भी हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको इस स्कैम के बारे में बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि भाई इस तरीके के स्कैम से बचें। आपके कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है या कोई भी, उसको बताया भाई इस तरीके का कुछ हो, तो आप फौरन से पुलिस को कॉल कर दें कि भाई इस तरीके से बंदा है, ये कर रहा है मुझे। तो पुलिस अपने तरीके से वो पूछताछ कर देगी, सब कुछ हो जाएगा। तो भाई इसको सिर्फ ना अपने शेयर करना, और कुछ नहीं करना है। कोई कमेंट, कोई कुछ भी नहीं, मुझे कमेंट भी नहीं चाहिए, मुझे लाइक भी नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर तो चाहिए। खैर इस वीडियो के थ्रू मैं नहीं बोलूँगा, फैसल मुगर्स वालों ने काफ़ी कोऑपरेट किया उनके थ्रू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। प्लीज़ शेयर करें इसको। चलें, अल्लाह हाफिज़।